Friends, how are you? So today in the chapter Human Eye and the Colorful World, today let me discuss some other topics today. In the previous topic, I have told you about the eye structure. And so today I am going to tell you eye defects. Okay. So the topic which we are going to start today is eye defect. Matlab, jo aapki aankhon mein dosh hote hain. We are going to discuss that today, okay? Yes. So see, if we talk about the eye defects, so there can be the three types of eye defects. So hamari aankhon mein jo three defects hote hain, we can just describe in under these three topics. First one is the myopia. So pehla jo aapki aankhon mein defect paya jata hai, that is known as myopia, also known as the nearsightedness. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस. एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेस बियोपिया. ओके. सो पहले हम पहला वाला जो हमारा आई डिफेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज मायोपिया, ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस. सो लेट्स डिस्कस मायोपिया नाउ. सो इन मायोपिया व्हाट इज हैपनिंग, इन मायोपिया द नियर ऑब्जेक्ट्स, इसको हमने बोला नियर साइटेडनेस बोला ना, तो इसमें नियर का ऑब्जेक्ट यानी नज़दीक का ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिखाई देगा. एंड जो दूर का ऑब्जेक्ट है आपको, जैसे यहाँ पेड़ दिखाई दिया है, ये आपको ब्लर दिखाई देगा. ठीक है. तो मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस, मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको हम बोलेंगे, है ना. तो इसमें आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा और दूर का ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देगा. मीन्स द नियर ऑब्जेक्ट विल अपीयर क्लियर टू यू एंड द फार ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लर टू यू. ओके. सो दिस इज नोन एज द मायोपिया. तो मायोपिया दिस यू कैन राइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, यू कैन राइट इट. या सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोपिया. अच्छा, मायोपिया में क्या होता है, देखो हमारा जो नॉर्मल आई होती है ना, हमारा जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, मैंने आपको बताया था. एंड द नियर पॉइंट हमारा जो होता है, नज़दीक से नज़दीक का ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं, वो हमारा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होता है. लेकिन फार ऑब्जेक्ट, लास्ट कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पाते हो, वो आपका इन्फिनिटी पे होता है. लेकिन जो आपका मायोपिक आई होती है, यानी जो अगर आपकी आंखों में मायोपिया डिफेक्ट है, तब वो फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे ना होकर इन्फिनिटी से पहले होगा, क्योंकि आप दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं. तो इसका मतलब आपका फार पॉइंट कुछ दूरी पर ही होगा, आपका फार पॉइंट कुछ ही दूरी पर हो जाएगा. ओके. सो देर इज़ गोइंग टू बी अ फार पॉइंट फॉर द मायोपिक आई. मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट होता है, जबकि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कोई भी फार पॉइंट नहीं होता है. क्लियर है? यस. अच्छा, तो मायोपिया के रीजन क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर द मायोपिया. मायोपिया के देखो दो रीजन है, देर आर टू रीजंस फॉर द मायोपिया. वो नंबर वन इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. पहला रीजन है कि आपके आंखों की जो कर्वेचर है वो बढ़ गई है. एंड दूसरा रीजन है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी आपके आंखों की जो आई बॉल है उसका साइज आपका बढ़ गया. सो इन्हीं दो रीजनों के कारण आपका मायोपिया होगा. तो एक एक करके हम दोनों रीजन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पहला रीजन डिस्कस करेंगे, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. मतलब आपकी आंखों की मोटाई, सॉरी लेंस की मोटाई बढ़ गई है, कर्वेचर बढ़ गई. तो इसका मतलब पावर बढ़ गई. पावर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा बेंड करेगा रिफ्रैक्टर रेज को. ठीक है ना. तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हमारा जो नॉर्मल, हमारी जो हमारी हमारी आँखें हैं, नॉर्मल आई है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू. लेट्स डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द नॉर्मल आई फर्स्ट. डिफेक्टेड आई के लिए नहीं, नॉर्मल आई की बात बता रहा हूँ आपको. डिफेक्टेड आई का थोड़ी देर में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एक बार डिस्कस कर लें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द आई. जब हमारी नॉर्मल आई से ऑब्जेक्ट हमारा दूर पर होता है, तो हमारे जो सीलरी मसल्स होती हैं क्या करती हैं, दे आर रिलैक्सिंग. रिलैक्स हो जाएगा तो क्या करेंगे, आपके आँखों के कर्वेचर को पतला कर देंगे. मतलब आपका जो आँख हो, आँखों की जो लेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, है ना. कर्वेचर पतली हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपका आई लेंस इलोंगेट हो जाएगी. इसका मतलब इसकी बेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अब बेंडिंग कैपेसिटी आपकी आई लेंस की कम हो जाएगी, यानी दूर बेंड करेगा ये ऐसे. क्लियर है ना. दूर बेंड करेगा मतलब फोकल लेंथ आपकी बढ़ जाएगी. ये डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ जो हम कहते हैं, ये रेडियस डिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है. कब, जब ऑब्जेक्ट आपने दूर पर रखा है. ठीक है ना. तो सीलरी मसल रिलैक्स हो जाती हैं एंड गेट्स इलोंगेट. तो आई लेंस गेट्स इलोंगेट, आपका आई लेंस इलोंगेट हो जाता है. देयर फॉर द पावर लेंस, पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस. देयर फॉर द रिफ्रैक्टेड रेज गेट्स कन्वर्जेड एट द रेटिना. सो रिफ्रैक्टेड रेज जो आपकी हो रही है, यहाँ से कन्वर्ज होने के बाद जो दूर रेटिना होगा, रेटिना पे ही मिलेंगी रिफ्रैक्टेड रेज. क्लियर है. सो ये तो था हमारा फार पॉइंट, फार अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है नियर नॉर्मल आई के लिए.
लाइक इन दिस केस, अगर आपने दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज कहाँ पर बननी है आपकी, रिफ्रैक्टेड रेज देखो मीट करके रेटिना पे मिल रही है, क्योंकि आपके फोकल लेंथ बढ़ गई ना, यही डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहाँ पर रेज कन्वर्ज कर रही है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है ना? यस। सो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी व्हेन द, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को नियर लें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू ह्यूमन आई, अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आ जाए तब क्या होगा, सीलियरी मसल्स कंप्रेस्ड द आई लेंस, तो जो सीलियरी मसल्स हैं हमारी आई लेंस को क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है, पिचका देती है, सीलियरी मसल होती है, आई लेंस को पिचका के छोटा कर देंगे, यानी कर्वेचर इसकी बड़ी कर देंगे, मोटा बना देंगे इसको, तब क्या होगा, लेंस की पावर बढ़ जाएगी, पावर समझिए आप, पावर का मतलब लेंस की बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना, द आई लेंस एंड इट्स पावर इंक्रीजेज, पावर बढ़ जाती है एंड देयर फॉर द फोकल लेंथ डिक्रीज, ये मोटा लेंस हो गया ना आपका, तो पावर बढ़ जाएगी, इसका मतलब बेंड ज़्यादा करेगा, बेंड ज़्यादा करेगा इसका मतलब ये फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, पहले केस में दूर था, है ना, तो फोकल लेंथ कम हो जाती है जब आपकी आंखों की पावर बढ़ जाती है, है ना, जब हम नज़दीक में ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइक इन दिस केस, तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, इसकी क्लियर इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है, फिर भी रेटिना बन रही है ना, यस, तो इसकी बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, देखो यहाँ पर बेंड कर दिया, इतना बेंड कर दिया, पहले तो दूर बेंड कर रहा था, अब नज़दीक बेंड कर दिया, क्योंकि लेंस की पावर बढ़ा दी है ना आई, ये सीलियरी मसल्स ने लेंस को पिचका दिया, मोटा बना दिया, तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपकी इमेज फिर भी रेटिना पे क्लियर बना लेती है हमारी आई लेंस, ठीक है, यस। तो ये तो हमारा नॉर्मल आई के लिए। सो नाउ अब अगर हम ये जो नियर ऑब्जेक्ट है इसको फिर से नज़दीक लाएँ तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ की बजाय हम यहाँ रख देते हैं, हम इधर रख दें, तब क्या होगा ज़रा बताओ ज़रा मुझे। नाउ व्हेन वी कीप ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई लेंस, फोकस कीप्स डिक्रीजिंग, फोकस फिर से कम होता रहेगा, फोकस कीप्स अंदर, यानी जो ये फोकस है ये और इधर आ जाएगा, है ना, फोकस आपका कम होता रहेगा, लाइक इन दिस केस फोकस फिर से कम हो गया और नज़दीक आ गया फोकस, अब यहाँ पर आ गया फोकस, है ना। अब देखो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसको और नज़दीक लाएँ या और पिचकते रहेगा, नहीं भाई साहब, इसकी पिचकने की भी देखो एक लिमिट होती है, हमारी जो सीलियरी मसल हैं लेंस को एक हद तक पिचकाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं पिचका पाएंगी, देर इज़ गोइंग टू बी अ लिमिट फॉर द आई लेंस टू बी कंप्रेस्ड, आई लेंस के कंप्रेस होने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं पिचकेगा, तो नहीं पिचकेगा तो क्या होगा, अगर अब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, अब इसकी इमेज नहीं बनेगी, अब मैं इसको आपको इमेज दिखाऊंगा। नाउ देर इज़ अ लिमिट फॉर द आई लेंस बीइंग कंप्रेस्ड, इट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हम आई लेंस को कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक ही कंप्रेस कर सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियरर अगेन, उससे भी अगर नज़दीक आपने ऑब्जेक्ट लाया, द इमेज इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एट रेटिना, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, लाइक इन दिस केस ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक ले आया, तब क्या होगा, क्योंकि अब तो इसकी पावर ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि पावर मैक्सिमम पहुँच गई है ना, अब नहीं बढ़ेगी, तो इससे ज़्यादा लेंस नहीं पिचकेगा, तो क्या होगा, पावर नहीं बढ़ेगी, तो ये जो रिफ्रैक्टेड है देखो रेटिना पे मीट नहीं कर पा रही है, सो द नियर, इससे भी नज़दीक का ऑब्जेक्ट का आपको क्या दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, क्लियर है ना, वेरी गुड, ओके। सो द नियरेस्ट पॉइंट टू अवर आइज फॉर व्हिच अवर आइज फॉर्म अ क्लियर इमेज, तो आंखों के नज़दीक का वह पॉइंट, नज़दीक से नज़दीक का पॉइंट जिसकी हमारी आंखें क्लियर इमेज बनाती हैं, है ना, इज नोन एज द नियर पॉइंट, उसी को हम नियर पॉइंट बोलते हैं, एंड द करेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ इज नोन एज द मिनिमम फोकल लेंथ, और इसके लिए करेस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ होगी वो मिनिमम फोकल लेंथ हो जाएगी, लाइक इन दिस केस, है ना, यहाँ पर देखें आप अगर, अब ये हमारा नियर पॉइंट है, अब क्योंकि यहाँ तक अब अगर आपने दूर से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ला तो यहाँ तक की इमेज तो साफ साफ बन, इससे नज़दीक रखा तो अभी इमेज नहीं बन रही है साफ, है ना, तो यही पॉइंट आपका नियर पॉइंट कहलाता है, तो इसके लिए हमारा जो करेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ होगी, ये फोकल लेंथ, ये मिनिमम फोकल, ये फोकल लेंथ इससे कम नहीं होगी अब, है ना, तो हमारे जो फोकस होना है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस बोलते हैं इसको, तो ये फोकस हमारा एक मिनिमम फोकस होना है, ये मिनिमम फोकस है यहाँ पे, इससे कम फोकस ये पॉइंट आप इधर नहीं खींच सकता है, तो दिस इज नोन एज द मिनिमम फोकस, है ना, एंड दिस इज नोन एज द मिनिमम फोकल लेंथ, क्लियर ना। तो देखो ऑब्जेक्ट नज़दीक से नज़दीक यहाँ पर आप रख सकते हैं, जिसको हम पॉइंट डी हमने कहा, तो नज़दीक से नज़दीक आप पॉइंट को यहाँ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, तो जिसकी हमारी आंखें क्लियर इमेज बना रही, तो उसके लिए हमारा फोकस ये है, दूर से दूर अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमारा फोकस ये है नॉर्मल आई के लिए, तो इसको हम बोलेंगे फोकस रेंज, यानी इन दोनों के बीच में ही आपका फोकस चेंज होना है ना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप नज़दीक लाते रहेंगे दूर से, तो ये फोकस आपका दूर से लेके यहाँ को आते जाएगा लास्ट में इधर तक आएगा, तो इसी को हम बोलेंगे आपका फोकस रेंज, तो ये आपकी फोकस रेंज है नॉर्मल आई के लिए, ये नॉर्मल आई के लिए क्या है आपकी फोकस की रेंज है, क्लियर है ना, यस, है ना। लेकिन नाउ लेट्स
सी हाउ द डिफेक्टेड आईज आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आई. अब जो डिफेक्टेड आई की बात हम कर रहे थे, नॉर्मल आई से कैसे डिफरेंट हो सकती है, भाई साहब दो रीजन इसमें हो सकते हैं. द डिफेक्टेड आईज ईदर बी हैविंग पावर हाइयर, या तो हो सकता है कि आपकी जो आँख की पावर बढ़ गई है अपने आप, या हो सकता है कि आपकी आँखों की पावर घट गई है. यही दो कारण तो हो सकते हैं, या तो आपको आपकी आँखों की पावर बढ़ गई है या पावर घट गई है. तो हम पहला वाला कंसेप्ट ही डिस्कस करेंगे. लेट्स सी फर्स्ट डिस्कस द केस ऑफ हायर पावर. अगर आपकी आंखों की पावर बढ़ गई है तब क्या होगा. आंखों की पावर बढ़ गई है का मतलब समझे आप, आपकी लेंस की कर्वेचर बढ़ गई है, मोटा हो गया लेंस, मोटा हो गया तो इसकी बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई. बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई है, हायर बेंडिंग कैपेसिटी होगी. तो ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं. अब जो मैंने आपको सबसे पहला बताया था, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, रीजन फॉर द डिफेक्टेड आई. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफेक्टेड मायोपिया. मायोपिया के लिए दो रीज़न हमने बताए थे ना, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर हम कर रहे थे, तो यही है, हम एक्सेसिव कर्वेचर को डिस्कस कर रहे हैं. पहले एक्सेसिव कर्वेचर मीन्स लेंस की पावर बढ़ गई है, लेंस ज़्यादा मोटा हो गया है, तो इसी को अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो जब आँखों की लेंस की अगर पावर आपकी बढ़ गई है, आपके आंखों की लेंस की पावर बढ़ गई है, तो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. यानी लेंस रिफ्रैक्शन के बाद रेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करेगा. तो ज़्यादा बेंड करेगा तो आपका जो फोकस की रेंज होनी है, जैसे हमारी पहली फोकस की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब वो रेंज आपकी नज़दीक आ जाएगी, घट जाएगी. ये रेंज हो गई अब आपकी फोकस की. दिस इज़ गोइंग टू बी द फोकस रेंज ऑफ फोकस, है ना. तो ये आपकी फोकस की रेंज हो जाएगी अब, है ना. तो रेंज आपकी क्लोजर आ जाती है, यानी अगर आपकी आंखों की पावर बढ़ जाती है तो रेंज ऑफ द फोकस कम्स क्लोजर टू आवर आई लेंस. हमारी आंखों की जो फोकस की जो रेंज है, मैक्सिमम फोकस और मिनिमम फोकस हो था हमारा, वो हमारा नज़दीक आ जाता है. ये हमारा मिनिमम फोकस हो जाता है, ये हमारा मैक्सिमम फोकस हो जाता है. तो इसी रेंज पर अब आपकी जितनी भी रिफ्रैक्टेड होंगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में से ही रिफ्रैक्टेड रेंज आपकी गुजरेंगी. क्लियर है ना. चलो डिस्कस कर लेते हैं इस कंसेप्ट को, अब आप आ गए, है ना. वेरी गुड. ओके, नाउ डिस्कस. अगर आपकी आंखों की पावर बढ़ गई है, मैंने जैसे बताया, तो पहला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें, अगर सपोज आपने ऑब्जेक्ट को नया नज़दीक रखा है तब क्या होगा. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नियर. सिंपल बात है, बहुत अच्छी बात है. देखो यहाँ से रिफ्रैक्टेड रेज आई, फोकस रेंज ये थी, इन्हीं के बीच में से ये रेज रिफ्रैक्शन के बाद गुजरेगी, ये गुजर गई. दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो गया तो सीधे निकल लेगी. अब देखिए दोनों रेज मीट कहाँ पर कर रही है भाई, कहाँ पर कर रही है बताओ जरा मुझे. दे आर गोइंग टू मीट एट रेटिना. सो इसका मतलब आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा. तो ये पहला डायग्राम आपका बन जाएगा. व्हेन द पावर ऑफ द आई लेंस राइजेज, जब आपके आई लेंस की पावर कम बढ़ जाती है तो तब क्या होता है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिखाई देता है. मायोपिया में, मायोपिया की डिस्कस करें ना, तो ये नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा. लेकिन आंखों की पावर बढ़ी हुई है, यानी लेंस अब मोटा ही है, अब आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ना रखे, दूर रख रहे हैं हम. जरा देखते हैं कैसे होगा. नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, लेट्स से दिस ट्री दूर है, अब क्या होगा, आपकी फोकस तो ये है ना, मिनिमम फोकस मैक्सिमम फोकस. अब जो भी रिफ्रैक्टेड रेज होंगी रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, इसी फोकस रेंज के बीच में से रिफ्रैक्शन के बाद गुजरेंगे. सपोज ये पैरेलल रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद ये निकल गई, मैक्सिमम फोकस है, क्योंकि ये मैक्सिमम फोकस है, दूर से दूर आपने पॉइंट रखा है, तो मैक्सिमम फोकस से ये रेज गुजरेंगी. तो ये रेज गुजर गई भाई साहब, ठीक है. आप एक रेज हम और लेनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट से हमें, ये रेली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, तो ये तो सीधे निकलेगी. तो अब देखो मीट कहाँ पर कर रही है दोनों रेज, जरा बताना मुझे कहाँ पर मीट कर रही है. आर दे मीटिंग एट रेटिना, नो, रेटिना से पहले मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है दोनों रेज. तो क्या आपकी इमेज क्लियर बन पाएगी इस केस में, नहीं बन पाएगी, बिकॉज द इमेज द रेज आर नॉट गोइंग टू मीट एट द रेटिना, रादर दे आर मीटिंग बिफोर द रेटिना. ओके, तो यही होता है आपकी मायोपिया में. मायोपिया में आपकी आंखों की पावर बढ़ जाती है, तब आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट जो था उसकी तो क्लियर इमेज बन जा रही है यहाँ पर रेटिना पे, है ना, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रही है. यही है आपका मायोपिया. क्लियर है ना. तो इसी को हम बोलते हैं मायोपिया, और शॉर्ट साइटेडनेस बोलो या नियर साइटेडनेस बोलो, तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया. क्लियर है. यस. नाउ मायोपिया में आपको हमने दो केस बताए थे, उससे जानने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं इसको करेक्ट कैसे करें. अगर आपकी आंखों में मायोपिया चलो हो गया है ना, अब इसको करेक्ट कैसे करें, कैसे दूर करें, है ना. डॉक्टर के पास जाते हैं आप, आपकी आंखों में लेंस लगाए जाते हैं, तो कौन सा लेंस आपके डॉक्टर आपको लगाएगा. ओके, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. सपोज आपने कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, यानी कॉन्वेक्स लेंस आपने सपोज लगा दिया,
तो आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये तो जो दूर से रेज आती है उनको और ज़्यादा बेंड कर देगा, बेंड कर देगा तो बाहर से भी कन्वर्जिंग लेंस, आपकी आंखों में भी कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों ज़्यादा बेंड कर देंगे, इसका मतलब और ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। हमें तो रेज रेटिना पे मीट करानी है, तो फिर रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी, तो कन्वर्जिंग लेंस हम तो यूज इससे नहीं करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे भाई। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग। तो इस डिफेक्ट को हम किस लेंस का यूज करके दूर कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज करके दूर करेंगे, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो क्या होता है पता है, हमारे जो कॉनकेव लेंस होता है ना, इसकी पावर पॉजिटिव होती है, पावर क्या हो जाती है इसकी नेगेटिव होती है, सॉरी हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है यानी जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। हमने पढ़ा था मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में आपको आपकी आंखों की पावर बढ़ जाती है, तो आपको पावर बढ़ जाती है, पावर कम करने के लिए आपको नेगेटिव पावर वाला लेंस यूज करेंगे ना। यस, सो फॉर द मायोपिया वी आर यूजिंग दिस नेगेटिव पावर लेंस कम कराने के लिए पावर को, मीन्स डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम कॉनकेव लेंस भी यूज कहते हैं, तो उस लेंस का हम यूज करेंगे लाइक दिस केस। तो आपने डाइवर्जिंग लेंस यूज किया, तो ये आपकी आंखों की से दूर का ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेगा, ये दूर के ऑब्जेक्ट जो रे जा रही है इसको थोड़ा और डाइवर्ट करके ये फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से मीट कर लेती रेटिना, ठीक है ना डियर। इस प्रकार से द मायोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, अब मैंने आपको बताया जैसा मायोपिया को डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया कि मायोपिया में दो रीजन होते हैं मायोपिया के। एक तो हमने बताया कि आपके रेंस की कर्वेचर बढ़ गई यानी पावर बढ़ गई है, तो पावर बढ़ने वाला तो डिस्कस हमने कर लिया अभी। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। अगर आपके आंखों की आईबॉल की साइज बढ़ गई है, ये हमारा दूसरा रीजन था मायोपिया का, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, आपकी आंखों का साइज बढ़ गया है, तब क्या होगा भाई साहब, चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी आंखों की पावर बढ़ गई है तब आप क्या करेंगे, लेट्स सी। ओके, आपकी आंखों की पावर बढ़ गई है, सॉरी पावर नॉट, आंखों का साइज बढ़ गया है, आईबॉल का साइज बढ़ गया है। लाइक ये आपका नॉर्मल आई था, ये आपका क्या था, ये आपका नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई को देखें आप, ये है नॉर्मल आई, इसका आईबॉल का साइज है। लेकिन ये मायोपिक आई में क्या होता है, आपका आईबॉल का साइज इलोंगेट हो जाता है, बढ़ गया साइज। अब क्या होगा इस केस में, फिर क्या होगा जरा देखो, इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी जिसमें विट्रस ह्यूमर होता है आपका, ये डिस्टेंस आपकी बढ़ गई है, तो अब क्या करेंगे भाई साहब, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या होगा देखो, जब दूर का ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना, ये आपका दूर का ऑब्जेक्ट है, अगर आपने सपोज दूर का ऑब्जेक्ट रखा है, दूर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तब दूर से पैलर रेज आती हैं, तो पैलर होने के बाद रेज क्या होंगी, साइज बढ़ गया ना, तो क्या होगा, रेटिना से पहले ही मीट कर लेंगे, यहाँ पर मीट कर ले रही है, तो इसका मतलब दूर का ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। सो व्हेन द साइज इलोंगेटेड, व्हेन द साइज ऑफ द आईबॉल इलोंगेटेड, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट मीट्स बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही मीट कर ले, देयर फोर द फार ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर, धुंधला दिखाई देगा। लेकिन नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो ठीक है, नज़दीक में आपने जैसे स्पून रखा है, तो इससे तो जितनी भी रिफ्रैक्टेड आएंगी वो सारे कन्वर्ज होकर आपके कहाँ पर मिल जाएंगे, रेटिना पर मिल जाएंगी, तो इसकी क्लियरिंग में रेटिना पर बन जाएगी आपकी, नो प्रॉब्लम दे। तो ये था हमारा आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, दैट वॉज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमने आज डिस्कस किया मायोपिया। तो मायोपिया में हमने आज क्या क्या जाना, फर्स्ट हमने जाना कि मायोपिया क्या होता है, दूसरा हमने जाना कि मायोपिया के रीजन क्या होते हैं, हायर पावर, या तो इसका रीजन हो सकता है कि पावर बढ़ गई है आँखों की, या दूसरा रीजन उसका हो सकता है कि आपके आईबॉल की साइज बढ़ गया है। पावर बढ़ गई है तो उसका कॉन्सेप्ट हमने रे डायग्राम से बना दिया था, आईबॉल का भी हमने बना दिया, तो इसको आप डिस्कस करें, एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, देन ओनली दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी क्लियर। Okay, thank you.